मुराद राजी हो गया है, तुम भी अपनी ईगो तोड़ दो। जैसे मैंने साथ को माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। वो हमारी नफरत डिजर्व नहीं करता, वो हमारी औलाद है, हमारा बेटा है। मुझे मेरे राइट्स मत बताएं। अगर साध ने उस लड़की से शादी की ना, तो मैं बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगी। जिस तरह मैं सेल्फिश हो गया था, तुम भी वही कर रही हो। उस लड़की से ज्यादा मुझे अपने बेटे की फिक्र है, वो अकेला हो गया है। अकेला? अकेला कब है वो? आप हैं उसके साथ, मुराद है, अनीशा है, और सबसे बढ़कर वो लड़की है जिस पर वो भरोसा कर रहा है। उसकी खातिर तो वो अपने सगे माँ बाप को छोड़ रहा है। और आप जानते हैं, आपके अचानक फैसले ने अकेला तो मुझे कर दिया है। बस बस मुन्नस, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती, मैं वापस जाना चाहती। पारवी, किस्मत के साथ साथ तूने अपना रूप भी बदल लिया। आज जो बुशरा होती ना, तो बताती उसे कि छोटे से घर में बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली रूही सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करती थी, आज इतने बड़े महल की मालकिन बन गई है। ये स्वाद कहाँ रह गया? हाँ बोलो रूही। साथ कहाँ हो तुम? वो मामा ने कोई जरूरी बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया। नहीं, मगर तुमने तो मुझसे वादा किया था, जब तुम तैयार हो जाओगे तो सबसे पहले मुझसे मिलने आओगे, मुझे दिखाओगे। ऑफ कोर्स रूही, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए मॉम और डैड के रूम में कोई जरूरी बात करके तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आज एक वादा तोड़ दोगे, पूरी जिंदगी वादे तोड़ते रहोगे। तुम मैसेज में रुको, मैं आ रही हूँ। हेलो रूही। ये बेवकूफ लड़की, इससे पहले कि बुट्टा और भैया दोनों रो रो कर साथ के फैसले को कमजोर कर दें, मुझे साथ को उनसे मिलने से रोकना होगा। वैसे भी ये बुढ़िया खामोशी से चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। आखिरी टाइम पे कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगी। जी मामा। साथ, फौरन मेरे कमरे में आओ। मैं बस अभी आ रहा हूँ। ओके ओके।